नमस्कार, मैं कमलेश सर, मुखर्जी नगर दिल्ली से। इस समय जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी के थ्रू जो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी लोगों में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का यानी प्री एग्जाम, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 का हुआ था, पेपर में आयोग द्वारा ट्रेंड काफी चेंज कर दिया गया था। उससे तो स्टूडेंट नाराज ही थे, क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष जो पेपर का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या ट्रेंड आप कह सकते हैं, उसमें बदलाव करते जा रहा है। इसके बाद फर्स्ट पेपर जो जीएस का होता है, जनरल स्टडी का होता है, उसमें भी चेंज किया जा रहा है या करते जा रहा है। और सी सेट के जो पेपर हैं, सेकंड पेपर जिसे कहते हैं, जीएस का सेकंड पेपर जिसे सी सेट का पेपर कहा जाता है या सी सेट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके क्वेश्चंस का जो नेचर है या क्वेश्चन है, उसको भी टक करते जा रहे हैं, यानी उसके भी ट्रेंड में परिवर्तन करते जा रहा है आयोग द्वारा। प्रत्येक साल उसे टफ बनाया जा रहा है। ये बात तो सच है कि यूपीएससी के द्वारा जो सीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है या इसके थ्रू जो सिलेक्ट स्टूडेंट होते हैं, वह जो कह लीजिए इंडिया के यानी भारत के नंबर एक पद पर उनका चयन होता है, चाहे आईएएस कह लीजिए, आईपीएस कह लीजिए या डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो नंबर क्लास वन के ऑफिसर होते हैं उस पद पर इन्हें चयनित करके भेजा जाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, यानी देश का सबसे बड़ा पद या सबसे बड़े पद पर जो लोग भेजे जाते हैं वह यूपीएससी के थ्रू ही भेजे जाते हैं, या सामान्य शब्दों में जो कहा जाता है कि आईएएस का एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो ये बात सही है, क्योंकि सभी विभाग में या डिपार्टमेंट में जो क्लास वन के ऑफिसर हैं यहीं से भेजे जाते हैं, तो उनका चयन लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसी तरह स्टेट स्तर पर भी प्रांतीय सिविल सर्विसेज होते हैं, वे लोग भी अपने प्रांतीय ऑफिसरों का जो चयन उसके माध्यम से करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्री का एग्जाम 2023 2023 का एग्जाम हुआ था, उस पेपर में या आप कह लीजिए लोक सेवा आयोग के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा क्वेश्चंस का जो नेचर था या पेपर का ट्रेंड था, उसमें चेंज कर दिया गया था, उसमें बदलाव किया गया था। तो ये बात तो सही है, और सी सेट के पेपर को भी काफी टफ बनाया गया था। तो इससे भी जो स्टूडेंट एग्जाम में सम्मिलित हुए थे काफी नाराज थे, उनमें काफी आयोग के प्रति रोष व्याप्त था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एकदम आप कह लीजिए क्रीम स्टूडेंट उनको चयन करना होता है, इसलिए वह प्रत्येक वर्ष अपना जो पेपर का ट्रेंड है उसमें वो परिवर्तन करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे अधिक रोष रिजल्ट आने के बाद हुआ है। ऐसा लगा है कि सबसे अधिक स्टूडेंट सी सेट में ही फेल हो गए, और सी सेट का जो पेपर था काफी टफ था, क्योंकि नोटिफिकेशन में आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है उसमें लिखा जाता है कि जो सी सेट यानी जीएस का सेकंड पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के या फिर रीजनिंग के या फिर हिंदी के क्वेश्चंस या फिर इंग्लिश के, तो उसमें खास करके मैथमेटिक्स से संबंधित है, अर्थमेटिक इत्यादि के क्वेश्चंस, तो हाई स्कूल स्तर के ही पूछे जाएंगे। लेकिन आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। जब क्वेश्चन इस बार का देखा गया तो उससे यह पता लगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह कैट के एग्जाम और इंजीनियरिंग आईआईटी के जो एंट्रेंस एग्जाम जेई एडवांस के होते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों में यह नाराजगी है, स्टूडेंट इसलिए नाराज हैं और आयोग के प्रति कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनको इंजीनियर चाहिए या फिर एक सिविल सर्वेंट चाहिए, ऐसा ऑफिसर का वो चयन करना चाहते हैं।
जो सभी क्षेत्रों में एक सामान्य जनरल नॉलेज उनका हो। तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या बीटेक स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं? तो वह भी अपने नोटिफिकेशन में इस बात को मेंशन कर दें कि हमें केवल आईआईटी के तरह स्टूडेंट चाहिए, उसी के तरह, इसलिए हम इस तरह से पेपर को टफ बनाते जा रहे हैं। तो इसको लेकर के जो स्टूडेंट है उनमें काफी रोष है, इसलिए इस बार जो स्टूडेंट है वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि सीसेट का जो एग्जाम है रद्द करवा किया जाए, या रद्द करके पुनः एग्जाम कराया जाए, अथवा जो उसका 33% जो कटाप है, क्योंकि पेपर टफ होने के कारण 33% भी स्टूडेंट क्रॉस नहीं कर पाए। तो इसलिए रोष है आयोग के प्रति। तो स्टूडेंट की मांग है कि जो 33% जो कटाप है, कि इतना क्वालिफाइंग करने के लिए 33% रखा गया है, तो उसको भी मेरिट डाउन करें और 23% कटाप रखें। क्योंकि जो क्वेश्चन थे काफी टफ थे, इसलिए जो मानविकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वह काफी सीसेट में ही फेल हो गए हैं, इसलिए मुख्य परीक्षा में यानी मेंस एग्जाम में सम्मिलित होने का उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाएगा, मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो फिर ऐसे में वह आगे अपना परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे? इसलिए नाराजगी है, उनकी भी मांग जायज है कि इस तरह नहीं बनाना चाहिए। जब क्वालिफाइंग है तो पेपर का एक मानक जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पूछा जाना चाहिए, लेकिन आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैट एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट में काफी रोष है। तो फिर स्टूडेंट की मांग है या तो 33% को डाउन करके 23% कटाप बनाया जाए, अथवा सीसेट का एग्जाम पुनः कराया जाए, यानी सीसेट की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम कराया जाए और फिर से रिजल्ट बनाया जाए या रिजल्ट जारी किया जाए, यह मांग की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि आयोग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार सीडीएस का एग्जाम लिया गया था तो उसका कटाप आयोग के द्वारा डाउन किया गया था, इस आधार पर यह मांग की गई है। अब देखिए आगे कोर्ट क्या करता है, कोर्ट किस तरह के डिसीजन देते हैं, लेकिन फिर भी जो भी डिसीजन हो, लेकिन आयोग तो अपनी पारदर्शिता को बनाए हुए है और आयोग जो जितने स्टूडेंट चाहिए उतने स्टूडेंट तो वह ले ही लेते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करवा लेते हैं, या फिर मेरिट जो उनका मानक है उस मानक के अंतर्गत उतने स्टूडेंट को क्वालिफाई प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम एग्जाम में करा लेते हैं, फिर मेंस में करा लेते हैं। अब बात अलग है कि प्रीलिम्स एग्जाम में मानविकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कम क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि उनका मैथ, रीजनिंग या जो आप कह लीजिए कि ये जो उनका यह फील्ड है थोड़ा वीक होता है, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आयोग से बच्चों की यही गुजारिश है कि भाई जो उनका मानक है उस मानक पर ध्यान दें और इतना टफ पेपर न बनाए। अब आगे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में मामला याचिका दायर की गई है, अब कोर्ट का किस तरह का डिसीजन रहता है उसी के आधार पर आगे होगा, आगे जैसा होगा कोर्ट का आदेश उसके आधार पर संघ लोक सेवा आयोग भी अपना तर्क रखेगा, अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जो अंतिम डिसीजन कोर्ट का होगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी आयोग जो एग्जाम लिया है उसके आधार पर 13 गुना जो बच्चे क्वालिफाई कराते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करा लिए हैं, मेंस एग्जाम वो कंडक्ट करा लेंगे। अब देखिए आगे कोर्ट के आदेशानुसार किस तरह के रिजल्ट आते हैं या किस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। आगे जैसा आदेश रहेगा कोर्ट का उसको भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत करिए और अपने इन सब अफवाहों से थोड़ा सा आप लोग दूर रहिए, अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर दीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।